दोस्तों, अगर आप लोगों के एक न्यू यूट्यूब चैनल्स है और आपके यूट्यूब चैनल्स पर व्यूज बहुत कम आते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हो कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पे यूट्यूब सर्च से व्यूज कैसे आएंगे, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस प्रकार यूट्यूब सर्च से अपनी वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी YT स्टूडियो को ओपन करते हैं। दोस्तों YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद एनालिटिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और दोस्तों एनालिटिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एनालिटिक्स को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ रीच पे। एंड दोस्तों रीच पे आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ ट्रैफिक सोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों ट्रैफिक सोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट 28 डेज है, मैं यहाँ पर करता लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लेता है। एंड दोस्तों लाइफ टाइम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो वीडियो का व्यूज है वह यूट्यूब सर्च से सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि 70% आता है यूट्यूब सर्च से। सजेस्टिंग वीडियो से आता है 12%, शॉर्ट फीड से आता है 8%, यूट्यूब सर्च फीचर से आता है 3%। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोग भी यह जानना चाहते हो कि अगर आपका YouTube चैनल पर व्यूज YouTube सर्च से आए, तो दोस्तों आपका एक ही तरीका है कि अपना जो YouTube चैनल का जो आप नेम दिया है दोस्तों, आपको यूनिक नाम देनी है। जी हाँ दोस्तों, और आपका यूट्यूब चैनल का यूनिक नेम रहेगा तभी दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल पर व्यूज अच्छे आएंगे। यानी कि अगर जब भी आपका एक नया चैनल है दोस्तों, आपको यूनिक नाम देंगे जब भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे अपनी चैनल को, दोस्तों आपका चैनल फर्स्ट नंबर पर रैंक आएगी। और दोस्तों कोई भी बंदा आपका यूट्यूब चैनल को सर्च करके कोई किसी भी वीडियो को देखती है दोस्तों आपका चैनल, यानी कि यूट्यूब को लगता है कि यह वीडियो को व्यूज यूट्यूब सर्च से आता है दोस्तों, आपका व्यूज करी YouTube आपके वीडियो को रिकमेंडेंट करेगा किसी और के पास। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।